अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार क्रीमी मैंगो डिज़र्ट बनाना सिखा रही हूँ। मैंगो लवर्स के लिए तो ये एक ट्रीट है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है और 3 से 4 अज़ा से तैयार हो जाती है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर से स्टार्ट करते हैं। क्रीमी मैंगो डिज़र्ट बनाने के लिए मैंने 1 किलो आम ले लिए हैं। इनमें से 2 आम के मैं बहुत अच्छे से क्यूब काटूंगी, छोटे छोटे, जो हम टॉपिंग में डालेंगे और अंदर भी डालेंगे। बाकी 2 के मैं रफली क्यूब करूंगी और उसकी मैं प्यूरी बना लूंगी। तो मैं इसके क्यूब करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आमों को मैंने काट लिया है, ये छोटे छोटे खूबसूरत से चंक्स में इसको मैंने काट लिया है। ये ऊपर हम डेकोरेट करेंगे और अंदर भी डालेंगे। और ये मैंने रफली चॉप किया है, इनको मैं पीसूंगी। इसकी हम प्यूरी बनाएंगे। अब इसको हम जग में डाल लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दूध, ठंडा इस्तेमाल किया मैंने। ये दूध हमें इतना लेना है कि गाढ़ी गाढ़ी सी प्यूरी सी बन जाए। अब इसमें आप डालेंगे 1/4 कप के करीब कंडेंस मिल्क। ये आम मीठे हैं इसलिए मैंने कम डाला है, आप अपने आमों के हिसाब से डालेंगे। इसको आप पीसने के बाद थोड़ा चख लें, अगर आपको मीठा कम लग रहा हो तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसमें चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। अगर आपकी प्यूरी पतली हो जाए तो इसमें आप थोड़े से आम और डाल दें ताकि ये गाढ़ी हो जाए। अब हम क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 क्रीम का पैकेट लिया है और ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। इसे अच्छी तरह व्हिप कर लें। जब इसके सॉफ्ट पीक बनने लगे तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। आप चाहें तो इसकी मकदार बढ़ा भी सकते हैं। इसे अच्छी तरह दोबारा मिक्स कर लें। हमारी क्रीम की फिलिंग तैयार है। क्रीम को व्हिप करके मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडी रहे। बहुत गर्मी हो रही है इसलिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। ये भी मैंने फ्रिज में दिया था ताकि ये भी ठंडा रहे। प्यूरी मैंने आधी निकाल ली है प्लेट में और ये 4 स्लाइस मैंने ले लिए हैं। ये मैंने डिश के हिसाब से बिल्कुल इस तरीके से काट ली कि बिल्कुल फिक्स हो जाएँ। ये देखें, 4 इसमें आराम से आ जाएंगे। किनारे मैंने रिमूव कर दिए हैं इसके। अब मैं इसको इस प्यूरी में डिप करके इसमें डिश में सेट करूँगी। जस्ट आपको सोक करना है और फौरन निकालना है। अगर ज़्यादा रखेंगे तो स्लाइस टूट जाएगा। इस तरीके से हम चारों के चारों स्लाइस इस डिश में सेट कर लेंगे। अगर आपकी डिश रेक्टेंगल हो तो आप स्लाइस को काट भी सकते हैं। ये मैंने चारों स्लाइस सेट कर लिए हैं इसमें। अब मैं जो मैंने चंक्स बनाए थे आम के, वो मैं इसे किनारों पर डालूंगी ताकि ये बाहर से नज़र आए तो ये अच्छे लगेंगे। अब जो क्रीम व्हिप की हुई थी हमने, वो इस पर आराम से इस पर डालेंगे। इस तरह डालेंगे कि मिक्स ना हो। यहाँ अगर आप चाहें तो आप 4 स्लाइस को और मैंगो प्यूरी में डिप करके यहाँ लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ 4 स्लाइस इस्तेमाल किए क्योंकि मेरे बच्चों को क्रीम और मैंगो प्यूरी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने 4 स्लाइस यूज़ किए। लेकिन आप चाहें तो इसमें 8 स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी सी मैंने रोक ली ऊपर से डेकोरेशन के लिए, बाकी मैंने इसके ऊपर डाल दिए। आप इसको आराम आराम से हर जगह फैला दें। अब इस पर हम मैंगो प्यूरी डाल देंगे जो हमने बनाई थी। ये भी हमें बहुत आराम से डालनी है। इस पर प्यूरी डालने के बाद आप इस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जो मैंने आपको बहुत सारे सिखाए हुए हैं, आप मेरे डिज़र्ट में देख सकते हैं। अब इस पर मैं वाइट क्रीम से और वाइट चॉकलेट चिप्स रखे मेरे पास, मैं इनके साथ इसको डेकोरेट करूँगी। ये मैंने वाइट चॉकलेट चिप्स रख के देखे थे, इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने दोबारा से इसे हटा के वाइट में ये ब्राउन वाले रख रही हूँ। उम्मीद है ये ठंडी मीठी सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करें। जज़ाकअल्लाह।